2010 की एक रात को 19 साल के सैम बोलर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, तभी उन्हें एक स्नेल जमीन पे रेंगती हुई दिखाई दी और दोस्तों ने चैलेंज दिया अगर किसी में हिम्मत है तो स्नेल को खा के दिखाए। और सैम ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसने शराब की नशे में मासूम स्नेल को चखना समझ के खा गए। कुछ दिनों के बाद उनके पैरों में बहुत दर्द रहने लगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि जो स्नेल उन्होंने खाई थी वो तो इन्फेक्टेड थी, जिससे एक लेट लंग वर्म नामक कीड़ा इनके दिमाग में घुस चुका था। सैम को मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गई और 420 दिन के लिए वो कोमा में चले गए। और जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, यानी कि उनकी आत्मा एक बेजान शरीर में कैद हो चुकी थी और वो कभी ठीक नहीं हो पाया। और 2018 में उनकी आत्मा वो बेजान शरीर को छोड़ के हमेशा के लिए चली।